नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों, रिलायंस जियो के जो आप प्लान यूज़ कर रहे हो, चाहे आप कोई भी प्लान रिचार्ज करते हो, 399, 444, 555, 599, कोई भी 149, आप कोई भी अगर प्लान यूज़ करते हो तो प्लान के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पूरा अपडेट दूंगा इस वीडियो में, जाने के इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, सपोर्ट करना, तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं रिलायंस जियो की, तो रिलायंस जियो का कुछ ऐसा सीन बन रखा है कि अभी इनका आप कह सकते हो क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 2021 की यहाँ पर कुछ रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कि बताया गया है कि हर एक व्यक्ति कितना मतलब रुपए डालता है जियो पे बेनिफिट उठाने के लिए, मतलब जियो कितना कमा लेता है ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। बेसिकली होता क्या है कि जियो यहाँ पर कितना रुपए हर एक यूज़र से चार्ज करता है एवरेज, तो उसमें दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी गिरावट देखने को मिली है। अब यार ऐसी न्यूज़ेस वायरल होने लगी कि जियो का जो प्लान प्राइस है वो हाइक होने वाला है। लाइक अगर आप कोई भी रिचार्ज करते हो तो उनका जो प्लान का प्राइस है वो बढ़ने वाला है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको जहाँ पर भी ऐसी वीडियोस देखने को मिले या ऐसा कुछ भी अपडेट देखने को मिले तो वो सभी फेक समझो आप, बस एक अंदाजा है, गेस है, एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो रियल नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं कुछ रिपोर्ट्स को अगर मद्देनजर रख के बात करता हूँ आप लोगों से, तो यहाँ पर अक्टूबर दिसंबर 2020 में अगर रिपोर्ट में देखा जाए तो एवरेज रेवेन्यू जो पर यूज़र्स की तरफ से था वो था 151 रुपीज़, एवरेज मतलब ऑलमोस्ट इतना ही रुपए हर यूज़र से जियो चार्ज कर रहा था, और ये हमेशा से बढ़ता आया है। अगर 2019 से हम 2020 तक देखें तो ये हमेशा ऐसे ग्राफ गया है, लेकिन अब नीचे आया है। जैन और मार्च की रिपोर्ट जो आई है 2021 की, उसमें जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो है 138.2, तो इतना रुपए ये हर एक यूज़र से ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि एवरेज रेवेन्यू डाउन जा रहा है तो जियो यहाँ पर प्राइसेस बढ़ाएगा। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र से कम है तो हो सकता है कि ये कुछ ऐसा ऑफर लाए जिसके कारण मतलब लोग उस ऑफर को लेना पसंद करें। या तो अभी देखो जियो की तरफ से क्या देखने को मिल रहा है, न्यूज़ेस जो है वो बहुत ठंडी है, मतलब उतना गर्म नहीं है अपडेट है कि कभी पहले क्या होता था जियो ये लॉन्च कर रहा है वो लॉन्च कर रहा है। जियो सिर्फ अभी वेट कर रहा है एनुअल जनरल मीटिंग का, मतलब जो इनकी हर साल होती है और वो इस साल भी होने वाली है, बहुत जल्द होगी, तो उसमें नए नए अपडेट आपको देखने को मिलेंगे, लाइक जियो का 5G फ़ोन, स्मार्टफोन जियो का, या जियो का लैपटॉप देखने को मिल सकता है, या जियो के कुछ नए प्लान देखने को मिल सकते हैं, या जियो के कुछ और बेनिफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जियो वर्क कर रहा है, और मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि अगर इनका एवरेज रेवेन्यू मतलब यूज़र जो डाउन गया है 138.2 रुपीज़ हर यूज़र से ले रहे हैं एवरेज, तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता है कि जियो यहाँ पर प्राइसेस बढ़ाने वाला है। तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि जियो यहाँ पर प्राइसेस बढ़ा सकता है या मतलब प्लान के प्राइसेस बढ़ाए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पर जो बेस्ट कंपनियाँ चल रही हैं वो रिलायंस जियो और आप एयरटेल कह सकते हो, क्योंकि इन दोनों में काफ़ी कड़ी टक्कर हो रही है। बाय द वे, आपको अगर ऐसा कुछ डाउट रहा हो आपके माइंड में कि यार प्लान बढ़ाया जा सकता है, या आपको कहीं भी इंटरनेट पर ऐसे देखने को मिले, तो बिलीव मत करिएगा, क्योंकि जियो यार कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उनके जो सब्सक्राइबर उनको जुड़े हैं, जिस चीज़ के लिए जुड़े हैं, जियो से आप क्यों जुड़े, क्योंकि ये 4G इंटरनेट प्रोवाइड करता है लेकिन सबसे चीपेस्ट इंटरनेट हमें देता है, और मुकेश अंबानी जी का वादा भी यही था। तो अगर यही चीज़ें हट जाएंगी जियो से तो जियो को लोग क्यों ही लेंगे यार। जियो की खास बात जो है वो यही है कि ये चीपेस्ट है, बाकी सबसे सस्ता है, और अब महंगा तो ये नहीं करेगा ना टैरिफ प्लान, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसे ही यूज़फुल, नॉलेजेबल और जो ट्रस्टेड जो रियल इन्फॉर्मेशन होती है, मैं हवा में बात नहीं करता कि कंपनी प्राइसेस बढ़ा देगी ये कर देगी, जो चीज़ जेन्युइन है मैं उस पर बात करता हूँ, क्योंकि प्राइसेस कभी भी कंपनी बढ़ा नहीं सकती है, क्योंकि उससे उसका जो वादा है जिस पे वो काम कर रही है, अगर वही चीज़ वो हटा देगी तो लोग क्यों ही RJio के पास जाएंगे, इस बात को समझा करो। दोस्तों अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोज़ाना है ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।